ओजोन परत के बारे में, ओजोन परत क्या होती है और इसके क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, कैसे ये बेनिफिट होती है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आप समझिए कि ओजोन परत होती क्या है। जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन परत यानी ओजोन लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले ओजोन परत क्या होती है, तो हमारा जो वायुमंडल है ना, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी, इस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, चारों ओर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों की परतों को ही हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ध्यान से देखना। तो हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर अगर आप, पृथ्वी के चारों ओर अगर आप 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हो, कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हो, और फिर यहाँ से आप 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हो, यहाँ से कितना जाना है, 50 किलोमीटर, तो इसी के बीच में पाई जाती है ओजोन परत। ये जो बीच वाला इलाका है ना, इसी में पाई जाती है प्यारे साथियों ओजोन परत यानी ओजोन लेयर। यहीं पर है ओजोन परत, ये जो बीच वाला इलाका है यही ओजोन परत है। सबसे पहली बात, ओजोन है क्या? तो ओजोन एक गैस है। ओजोन क्या है? गैस। और इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है O3, यानी ऑक्सीजन के कितने अणुओं से मिलकर बनती है? ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है ओजोन। अब ये ओजोन है ना, ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर, यहाँ से सतह से, पृथ्वी की सतह से जहां पर आप हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले गए, 15 किलोमीटर की ऊंचाई से फिर वहां से भी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले गए, तो 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है ओजोन परत। क्या ये हमें दिखाई देती है? जी हाँ, ये हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती, हमें गैसें दिखाई ही नहीं देती, तो ये ओजोन परत कहाँ से दिखाई देगी? तो ये हमें परत दिखाई नहीं देती, वी कैन नॉट सी दिस लेयर, हम इस परत को देख नहीं सकते। बात आ गई समझ में? तो प्यारे साथियों, ओजोन गैस, अब देखिए ओजोन परत की मोटाई कितनी है? ओजोन परत इसकी मोटाई कितनी है? तो प्यारे साथियों, इसकी मोटाई ऑलरेडी यहां लिख रखी है, 15 से लेकर 50 किलोमीटर की मोटाई के बीच पाई जाती है। लेकिन इसकी सबसे अधिक सघनता कहां पर है, यानी हाईएस्ट डेंसिटी, सर्वाधिक सघनता, हाईएस्ट डेंसिटी, तो ये पाई जाती है प्यारे साथियों 20 से 35 किलोमीटर के बीच में। सबसे ज्यादा सघनता यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर पाई जाती है ओजोन लेयर की? तब आंसर लगाएंगे, सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है कहां पर? तो 20 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाई जाती है, ठीक है, 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। अब बात आती है कि ओजोन की मोटाई को मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना, ओजोन की जो मोटाई है ना, मोटाई को मापने की इकाई क्या है? तो मापने की इकाई प्यारे साथियों, मापने की इकाई प्यारे साथियों है, यह है डॉप्सन यूनिट, यानी डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई, डॉप्सन यूनिट या डॉप्सन इकाई इसको कहते हैं। यह ओजोन की परत की मोटाई मापने की इकाई है, ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई है डॉप्सन यूनिट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसी ओजोन लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर ये ओजोन लेयर पाई जाती है। अब देखिए, ये जो ओजोन लेयर है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से रेडिएशन आ रहा होता है, सूर्य से विकिरण आ रहा होता है, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं, और सौर विकिरण में एक खतरनाक किरणें होती हैं, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं यानी पराबैंगनी किरणें हैं, वो किरणें यहाँ अगर पृथ्वी पर आती हैं तो वो बहुत तबाही मचा सकती हैं, बहुत नुकसान मचा सकती हैं। तो ये ओजोन परत उन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक लेती है। देखिए, ओजोन लेयर क्या करती है, हमारी जो पृथ्वी है प्यारे साथियों, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, तो ये है हमारी पृथ्वी, ये अर्थ है। अब इस पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है ओजोन परत। चलिए ओजोन परत बना लेते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है।
ये ओजोन परत है प्यारे साथी, यहाँ पर ये क्या है? तो ये ओजोन परत है ये। अब जो सूर्य अंकल है ना, सूर्य, वो क्या करते हैं? यहाँ पर है सूर्य, यहाँ पर है सूर्य, ये सूर्य रेडिएशन छोड़ता है। सूर्य क्या छोड़ता है? रेडिएशन। सूर्य से आता है विकिरण, और उस विकिरण को हम क्या कहते हैं? उसे हम सौर विकिरण कहते हैं। लेकिन सौर विकिरण के साथ साथ एक विशेष प्रकार की किरणें और आ जाती हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें यहाँ आई तो ओजोन परत इनको रोक लेगी, ओजोन परत यहाँ से आगे नहीं जाने देती, यानी ऑब्जर्व कर लेती है यहीं पर। और ये जो किरण दिखाई दे रही है आपको, ये पराबैंगनी किरण है, इन्हें अल्ट्रावायलेट रेज या फिर यूवी रेज कहते हैं प्यारे साथी। इन्हें क्या कहते हैं? यूवी रेज, यूवी रेज कहते हैं। तो सूर्य से आ रही है यूवी रेज, इन यूवी रेज को रोकने का काम करती है ये ओजोन परत। यूवी रेज खतरनाक होती है क्या पराबैंगनी किरण? जी हाँ, ये खतरनाक होते हैं। तो यूवी रेज तीन प्रकार की होती हैं। पराबैंगनी किरण कितने प्रकार की होती हैं? पराबैंगनी किरण तीन प्रकार की होती हैं। पराबैंगनी किरण तीन प्रकार की होती हैं। पहला यूवी रेज ए, यूवी रेज ए। दूसरा यूवी रेज बी। और तीसरा यूवी रेज सी। यूवी रेज सी, यानी पराबैंगनी तीन प्रकार की होती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी होती है? सबसे खतरनाक सी होती है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक, सबसे नुकसान कौन सी अल्ट्रावायलेट किरणें पहुंचाती हैं? तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं प्यारे साथियों अल्ट्रावायलेट सी। सबसे खतरनाक है ये अल्ट्रावायलेट सी, है ना, ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक है, बात आगे समझ में। अल्ट्रावायलेट सी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है यूवी रेज सी। अब प्यारे साथी होता क्या है, ये यूवी रेज सी क्या नुकसान पहुंचाती है ये समझिए। और सबसे पहले ओजोन परत का क्या काम है? तो ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है। किससे सुरक्षा करती है? ओजोन परत है ना प्यारे साथियों, ओजोन परत ये पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और ये इसका पूरा 100% पार्ट अवशोषित नहीं कर पाती, लगभग लगभग 99% पार्ट को ऑब्जर्व कर लेती है। ये क्या ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं उनका लगभग लगभग 99% पार्ट को अवशोषित कर लेती है ओजोन परत। बाकी फिर भी कुछ रह जाता है हिस्सा, तो 1% रह जाती हैं जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती हमें। तो ये है ओजोन परत, ठीक है। और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी और आपकी सबकी सुरक्षा करती है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। अब देखिए, क्या ये सभी प्रकार की यूवी किरणों को अवशोषित कर लेती है? जी नहीं, मात्र यहाँ पर 99% यूवी किरणें अवशोषित हो जाती हैं और 1% पृथ्वी पर आ जाती हैं। हालांकि ये नुकसान नहीं पहुंचा पाती, ज़्यादा खतरनाक, इनसे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता 1%, लेकिन फिर भी आ जाती हैं। ओजोन परत 1% को रोक नहीं पाती है। पराबैंगनी किरणें होती है तीन टाइप की, यूवी रेज ए, यूवी रेज बी, यूवी रेज सी, और यूवी रेज सी सबसे खतरनाक होती हैं। अब देखिए, पराबैंगनी किरणें को जब रोकने का काम करती है ना ओजोन परत, तो इसीलिए ओजोन परत को प्यारे साथियों पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। देखिए, सुरक्षा कवच दो हैं, बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ओजोन परत है ना, इसे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, तब आंसर लगाएंगे ज्वालामुखियों को। अगर पूछता है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, तब आंसर लगाएंगे ज्वालामुखी को कहते हैं। याद रखिए इस बात को, ये दोनों ही आपसे क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे साथियों, ज्वालामुखी। तो इसे कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, सुरक्षा वाल्व और यहां पर क्या है, सुरक्षा कवच।
ये दो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। तो ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परावैगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। अब परावैगनी किरणों से क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या क्या उससे हानियां होती हैं, परावैगनी किरणों की हानियां, परावैगनी किरणों की हानियां, क्या क्या इनसे हमारे लिए ड्रॉबैक्स हैं, परावैगनी किरणें क्या क्या नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। देखिए परावैगनी किरणें अगर यहां पृथ्वी पर आती हैं तो जितने भी गोरी चमड़ी के लोग हैं, गोरी चमड़ी यानी अंग्रेज लोग, इनको स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। गोरी चमड़ी के लोगों को त्वचा का कैंसर हो जाता है क्योंकि मेलानिन उनकी बॉडी में कम होता है और मेलानिन उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, इससे उन्हें स्किन कैंसर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात, परावैगनी किरणों का क्या नुकसान है, इससे गोरी त्वचा के लोगों को स्किन कैंसर होने का खतरा होता है, पहला नुकसान स्किन कैंसर। स्किन कैंसर मतलब त्वचा का कैंसर। प्यारे साथियों अगर ये किरणें आती हैं तो इससे और क्या नुकसान होता है, इससे परावैगनी किरणें अगर यहाँ पृथ्वी पर प्यारे साथियों आती हैं तो इससे हमें लॉस ये है कि इनसे मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है, मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है, कैटरैक्ट होने का खतरा रहता है, मोतियाबिंद आंखों पर व्हाइट सी लेयर चढ़ जाती है। अगर ये परावैगनी किरणें प्यारे साथियों यहाँ पृथ्वी पर आती हैं तो कई मुलायम फसलें हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी, कई सारी मुलायम फसलें हैं ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, मुलायम फसलें नष्ट हो जाएंगी पृथ्वी से हमेशा के लिए। जैसे आलू हमेशा के लिए चला जाएगा, टमाटर चला जाएगा टमाटर, गोभी चला जाएगा गोभी, मिर्च चला जाएगा मिर्च आदि, ये सारी फसलें हैं ना प्यारे साथियों, और भी कई सारी मुलायम फसलें वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी पृथ्वी से। अगर ये यूवी रेडिएशन जितना रोक रखा है ना ओजोन परत ने, अगर ये पूरा आने लगा पृथ्वी पर तो मुलायम फसलें खत्म हमेशा के लिए, ये फसलें डेवलप ही नहीं हो पाएंगी, जन्म नहीं ले पाएंगी, ग्रो नहीं कर पाएंगी, इनके पौधे ही नहीं उगेंगे, जलकर राख हो जाएंगे। तो ये नुकसान है। अगर ये परावैगनी किरणें प्यारे साथियों आती हैं तो इससे मछलियों का लार्वा नष्ट हो जाएगा, मछलियों का लार्वा नष्ट हो जाएगा, जिससे नई मछलियां जन्म नहीं ले पाएंगी प्यारे साथियों, मछलियों का लार्वा नष्ट हो जाएगा जिससे नई मछलियां जन्म नहीं ले पाएंगी। और क्या नुकसान है इनके ओजोन परत के? अगर ये आती हैं पृथ्वी पर परावैगनी किरणें प्यारे साथियों, तो ये परावैगनी किरणें आकर हमें बहुत सारी स्किन इन्फेक्शन कर सकती हैं, त्वचा में इन्फेक्शन कर सकती हैं, कई सारे टाइप की त्वचा संबंधी बीमारियां कर सकती हैं, स्किन इन्फेक्शन कर सकती हैं। तो इतने सारे नुकसान हैं परावैगनी किरणों के, इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं इसके, यानी परावैगनी किरण तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो परावैगनी किरणों से तो हमें बच के रहना चाहिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मेनली स्किन कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, और इसके लिए जो जो जिम्मेदार हैं वो है अल्ट्रावायलेट सी ज़्यादा नुकसान करती है। तो ये परावैगनी किरणों से होने वाली हानियाँ हैं। अब प्यारे साथियों क्या है, अब इसमें हमें जानना है कि एक बार क्या हुआ था, बात है 1985 की, 1985 की, 1985 में क्या हुआ, इंग्लैंड का खोजी दल दक्षिणी ध्रुव पर क्या कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो इन्होंने दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की, ओजोन होल, ओजोन छिद्र की खोज कर ली प्यारे साथियों, ओजोन होल डिस्कवर कर लिया। ओजोन होल कहां पर है, ओजोन छिद्र कहां पर है, ये डिस्कवर कर लिया किसने, ये डिस्कवर कर लिया प्यारे साथियों, इसकी खोज कर ली किसने, तो इंग्लैंड का एक खोजी दल का वैज्ञानिक था। जैसे ये रहा हमारी पृथ्वी, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है नीचे वाला, तो साउथ पोल पर अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के ऊपर या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र खोजा गया। कहाँ पर खोजा गया, या तो अंटार्कटिका के ऊपर आपको ऑप्शन में देगा या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर देगा, तो कहाँ खोजा गया प्यारे साथियों, तो अंटार्कटिका के ऊपर या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र खोजा गया। अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र खोज लिया गया, वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि भैया यहां कहीं ओजोन छिद्र है। जब ये वैज्ञानिकों ने खोज लिया तो इसके बाद क्या हुआ, भाई पता चला कि ओजोन छिद्र है, ओजोन छिद्र मतलब बहुत बड़ा नुकसान, खतरा मानव जाति के लिए। तो जब
वैज्ञानिकों को पता चल गया कि यार दक्षिण ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र हो गया है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा चलो पता लगाते हैं इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है ये पता लगाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो पता लगा लेते हैं इसका कारण क्या है। तो जब ओजोन छिद्र का कारण पता किया गया, कारण, तो प्यारे साथियों इसका कारण जानते हो क्या निकला? इसका कारण निकला एक गैस जिसका नाम था CFC। CFC एक गैस है और इसका कारण पता चला हमें CFC के रूप में। जब कारण पता चला CFC के रूप में तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम है। CFC यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। वैज्ञानिकों को पता लगा कि ओजोन छिद्र जो हमने खोजा है दक्षिण ध्रुव के ऊपर, इसका कारण CFC गैस है। अब वैज्ञानिकों को जब पता चल गया कि इसका कारण CFC गैस है, तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार पता करते हैं कि ये CFC आती कहाँ से है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि CFC गैस के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो फिर CFC के स्रोतों की खोज की गई। क्या खोजा गया? CFC के स्रोत खोजे गए थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्रोत खोजे गए कि यह गैस आती कहां से है। जब इसके स्रोत खोजे गए तो इसके स्रोतों के बारे में पता चला, इसका सबसे पहला स्रोत था AC, AC यानी एयर कंडीशनर यानी AC। हम जो AC यूज करते हैं घरों में, AC। और कहां से आती है ये गैस? तो वैज्ञानिकों को पता चला ये रेफ्रिजरेटर से आती है, रेफ्रिजरेटर जिसे हम लोग शॉर्ट में फ्रिज कह देते हैं, ये भी हम घरों में यूज करते हैं। और इसका सोर्स क्या है? कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, जिनमें आलू वगैरह, सब्जियां, आइसक्रीम वगैरह ये सब स्टोर करके रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज। ये इसके बारे में हमें पता चला। जब और पता किया गया तो इसके बारे में पता चला हेयर डाई होता है ना, लड़के बालों पर डाई लगाते हैं, एक तो कलर होता है, एक डाई आता है, सस्ता आता है डाई, हेयर डाई। और बहुत सारे अन्य अन्य छोटे छोटे स्रोत हैं इसके, लेकिन इसका जो मेजर स्रोत है प्यारे साथियों, इसका जो मेजर स्रोत है वो है AC। सबसे बड़ा स्रोत या प्राइमरी स्रोत या मेजर सोर्स जो है प्यारे साथियों इसका है वो हमें पता चला किसके रूप में? AC के रूप। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली जो CFC गैस है इसका मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है AC। अच्छा, इसको नुकसान, ओजोन को नुकसान सिर्फ यही नहीं पहुंचाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा प्लस एक और गैस है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड भी नुकसान पहुंचाता है, इस बात को याद रखें। और नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O। ये गैस आती कहाँ से है नाइट्रस ऑक्साइड? ये आती है हवाई जहाज से। ये कहाँ से आती है? ये गैस आती है हवाई जहाज से, एरोप्लेन से आती है, एरोप्लेन से निकलती है हवाई जहाज से। ये भी एक कारण है किसका? CFC, ओजोन परत में छिद्र होने का, जैसे हम ओजोन क्षरण कहते हैं या ओजोन डिप्लेशन कहते हैं, तो ओजोन डिप्लेशन का ये एक गैस और भी कारण है। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि ये इसका कारण है CFC। ओजोन छिद्र 1985 में खोजा वैज्ञानिकों ने, अंटार्कटिका के ऊपर खोजा गया, कारण पता किया गया, तो कारण पता चला कि सब इसका कारण तो CFC गैस है। जब कारण पता चल गया इसका कि कारण CFC गैस है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो भाई अब एक काम कर लेते हैं, फिर इसका भी पता लगाते हैं कि ये CFC गैस कहाँ से आती है। तो ये सारी प्रोसेसिंग चलने लगी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमें CFC के स्रोत पता चल गए कि यहाँ यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, मेनली AC इसका बहुत बड़ा स्रोत है। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, AC बंद हो गए थे, लॉकडाउन जब लगा था कोरोना के टाइम पर, तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ, लोग कार में AC चलाते हैं, फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में AC चलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में AC चलते हैं, कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज में AC चलते हैं, ऑफिस के 24 घंटे चलते रहते हैं, काम होता है, सारे काम बंद हो गए, लगभग सारे काम जब बंद हो गए तो AC बंद हो गए, तो ओजोन छिद्र जो हुआ था ना, ओजोन होल, वो पूरा भर गया था, ये समझ लो। 1985 में जो ओजोन छिद्र हमने खोजा वो कोरोना के टाइम पर भर गया था, क्योंकि AC बंद रहे तो अपने आप भर गया वो नेचुरली। तो अब जब पता हुआ कि सब इसमें क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है, इसमें क्लोरीन होती है, क्लोरीन, और ये क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन ये O3 से क्रिया करती है, O3 यानी ओजोन से, और यहां से एक ऑक्सीजन चुरा लेती है, यहां से एक ऑक्सीजन को अपने पास चुरा लेती है।
तो यहाँ ऑक्सीजन तीन की जगह कितनी रह जाती है फिर, यहाँ ऑक्सीजन तीन की जगह ओ टू रह जाता है, और ओ टू का मतलब ऑक्सीजन गैस होता है, ओजोन गैस नहीं होता। यहाँ पर ओ टू का मतलब है ऑक्सीजन के दो अणुओं से ऑक्सीजन गैस बनती है, न के दो परमाणुओं से, सॉरी ऑक्सीजन गैस बनती है न कि ओजोन बनती है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन बन गई है, ठीक है। तो यानी कौन नुकसान पहुँचाता है मेनली सीएफसी में भी, तो ये क्लोरीन नुकसान पहुँचाता है, क्लोरीन ये ज़्यादा नुकसान, ये तोड़ता है, ये तोड़ देता है किसको, एक ऑक्सीजन को, तो ये नुकसान पहुँचाता है इस प्रकार से। अब प्यारे साथियों जब हमें पता चल गया कि यार यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसका संरक्षण किया जाए, किसका, ओजोन परत का। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन छिद्र की खोज कब हुई है, ओजोन छिद्र 1985 में खोजा गया है, ओजोन छिद्र 1985 में खोजा गया है, ओजोन होल। लेकिन वैज्ञानिकों ने दो साल बाद ही काम स्टार्ट कर दिया है, और 1987 में एक संधि हुई है जिसे कहते हैं, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, यानी मॉन्ट्रियल संधि हुई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है प्यारे साथियों, यानी मॉन्ट्रियल संधि हुई है। कब हुई है ये, 1985 में हुई है, कब हुई है, 1985 में हुई है, बात आ गई समझ में, सॉरी 1987 में, 1987 में हुई है ये, ठीक है। अब 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, इसकी डेट क्या थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो डेट थी वो थी प्यारे साथियों 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को। ये कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, यहाँ पर विभिन्न देशों का बैठक बुलाई गई और 16 सितंबर को ये बैठक हुई, ठीक है। इसीलिए 16 सितंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं, इसीलिए प्यारे साथियों हम हर साल 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं प्यारे साथियों, ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन प्रोटेक्शन डे हर साल 16 सितंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था विभिन्न देशों के बीच में ओजोन परत को बचाने के लिए, ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए समझौता हुआ था, इसी को हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल क्या है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, मॉन्ट्रियल क्या है प्यारे साथियों, तो मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, ठीक है, मॉन्ट्रियल ये क्या चीज है, तो ये कनाडा का एक शहर है। तो कनाडा के एक शहर में यहां पर ये संधि की गई थी, बात आ गई समझ में। अब ये आपसे क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना ये लागू कब हुआ है, इंप्लीमेंट कब हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्यारे साथियों लागू कब हुआ है, तो तब आंसर लगाएंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ है, 1989 को लागू हुआ है। और भारत इसका सदस्य कब बना है या भारत ने कब स्वीकार किया है प्यारे साथियों, तो भारत ने इसे 1982 में स्वीकार किया था, 1987 में इंडिया ने स्वीकार किया है, 1982 में सॉरी 1982 में भारत ने स्वीकार किया है किसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जिसका काम क्या है प्यारे साथियों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम है प्यारे साथियों यहाँ पर ओजोन परत का संरक्षण करना। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना वैसे ही एक और है जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एक क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो जापान का शहर है, तो जापान के शहर में क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ है, 1997 में, ठीक है। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है प्यारे साथियों, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है आपको बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है 1987 में, यानी 10 साल पहले। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था, कारण क्या था क्योटो प्रोटोकॉल का, तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। लेकिन ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है ये ओजोन क्षरण को रोकने के लिए हुआ था, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए। दोनों ही प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके एग्जाम में आते हैं। क्योटो जापान का शहर है, मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में लागू हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे साथियों जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हो गया और हम हर साल ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, ये हमारे समझ में आ गया यहां से, ठीक है। अब देखिए ओजोन परत के बारे में कुछ और क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। ओजोन परत के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो ओजोन परत है ना प्यारे साथियों ये दो परतों में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, दो परतों में वायुमंडल की,
ये प्यारे साथियों, एक तो पाई जाती है कहाँ पर? एक तो पाई जाती है ये समताप मंडल में। आज तक आपने पढ़ा होगा कि एक ही मंडल में पाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो मंडल में पाई जाती है। एक तो पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में लगभग ओजोन परत का कितना पार्ट होता है? लगभग 90% भाग ओजोन परत का समताप मंडल में है। लेकिन इसके अलावा ये क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। क्षोभ मंडल में लगभग इसका कितना भाग आता है? लगभग ओनली 10%। यानी ओजोन परत का केवल 10% के आसपास कहाँ आता है? ओजोन परत का केवल 10% के आसपास क्षोभ मंडल में आता है। बाकी पूरी की पूरी ओजोन परत कहाँ पर आती है? पूरी की पूरी ओजोन परत समताप मंडल में आती है प्यारे साथियों, स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। तो ये हमारे लिए ओजोन परत को जानना बहुत जरूरी था। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ओजोन परत से रिलेटेड यहाँ कवर कर ली है। इतनी बात आगे समझ में। अब देखिए, ओजोन परत से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, ओजोन की मित्र गैस कौन सी है? ओजोन की मित्र गैस कौन सी है? तो आंसर लगाएंगे HFC, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम है हाइड्रो फ्लोरो कार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, ये मित्र गैस है, ये फ्रेंड है, यानी ये ओजोन परत के निर्माण में सहायता करती है, ये ओजोन परत के निर्माण में हेल्प करती है। ये बात आ गई आपके समझ में। तो हमारी जो ओजोन परत है, इससे यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, यह हमें परावैगनी किरणों से बचाती है, स्किन कैंसर होने से बचाती है। इसको नुकसान हुआ 1985 में, इसकी खोज की गई एक ब्रिटिश दल के द्वारा, और ओजोन को मापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन यूनिट, यानी डॉप्सन इकाई। ठीक है, डॉप्सन नामक वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान रहा है ओजोन परत को पूरा प्रोटेक्ट करने में, इसीलिए इसको डॉप्सन यूनिट नाम दिया गया है। तो ये है हमारे लिए प्यारे साथियों, ओजोन परत यहाँ पर होती है कंप्लीट, ओजोन परत यहाँ होती है फिनिश। ठीक है, अब ओजोन परत के बाद हम पढ़ेंगे क्या प्यारे साथियों? ओजोन परत के बाद हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों